अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहिद खान आफरीदी साहब का कहना है कि बाबर आजम को 4 साल कैप्टनसी दी गई और वो कैप्टनसी करने में फेल हो गए हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, उनकी कैप्टनसी में कोई सुधार नहीं है। बट एट द सेम टाइम ही थिंक्स कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए बाबर आजम को ही कैप्टन रिटेन रखना चाहिए टेस्ट क्रिकेट का। तो ये दोहरा मयार कैसे हो गया जब बाबर आजम कैप्टनसी कर ही नहीं सक रहा, तो ऑल इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया का टूर जो कि आपको WTC जो आपका साइकिल है उसके हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर भाई बाबर आजम वहाँ पे कैसे कैप्टनसी करेगा? आप तो चाह रहे हैं आपके दामाद जी को कैप्टन बनाना, तो फिर बना दें द ऑल इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया टूर। लेकिन मालूम है ना, ऑस्ट्रेलिया टूर में आज तक कभी किसी से कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े तुर्रम खान गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका है ऑस्ट्रेलिया टूर में पाकिस्तान से। तो फिर दोबारा बाबर आजम को बलि का बकरा बना दिया जाए ना, फिर इसके बाद जो T20 क्रिकेट आएगी उसमें दामाद जी को पेश कर दिया जाए। क्यों, दामाद जी को भेजें ऑस्ट्रेलिया टूर में टेस्ट क्रिकेट खिलवाएं। देखती हूँ मैं आपके दामाद जी किस तरह से बॉलिंग करते हैं 25-30 ओवर्स वहाँ पे, और किस तरह से टीम को लीड करते हैं। आपके दामाद जी के साथ मेरी कोई पर्सनल कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बट ये जो हरकतें चल रही हैं ना, जो शाहीन को भी बर्बाद, मैं तो यही कहूँगी भाई शाहीन का भी करियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है शाहिद खान आफरीदी की तरफ से। शाहीन के माइंड में ऐसी कुछ भी हरकत, ऐसी कुछ भी खुराफात नहीं है, कभी भी नहीं रही। एक जो पहले भी उनको ऑफर भी की गई थी तो उन्होंने उससे भी मना कर दिया था, और उन्होंने लॉयल्टी का सबूत दिया था टूवर्ड्स बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम डिज़र्व करते हैं। बाबर आजम ही कैप्टन रहने चाहिए पाकिस्तान की टीम के, क्योंकि यही पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है। आई डोंट हैव एनी पर्सनल कन्फ्लिक्ट विद शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि भाई बाबर आजम को कैप्टन कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अगर तो आपने है कि बाबर को कैप्टनसी से हटाया तो टीम बिखर जाएगी, टीम में ग्रुपिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। ये जो शाहिद खान आफरीदी ने जो अपने ज़माने में जो हरकतें की थी ना, वही हरकतें अब ये चाह रहे हैं कि अब इधर हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसको होना चाहिए। खैर होगा शायद यही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कहती आई हूँ कि कंसिस्टेंसी हमें चाहिए एट एवरी लेवल, PCB में भी हमें चाहिए, हमें सिस्टम में, हमें हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। ऐसे ही हमारे रिजल्ट नहीं अच्छे होने लगे। बाबर आजम निशर्मनाक है कि कैप्टनसी में पाकिस्तान निशर्मनाक है कि परफॉर्मेंसेस दिए, भाई हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। रमेश राजा साहब ने भी यही कहा था ना कि भाई आप जब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होते जाएंगे, आप जब नए बॉल से अच्छा बॉल नहीं करेंगे, तो बाबर आजम क्या खाक कैप्टनसी करेगा? सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है ना बॉलिंग को लीड कर रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी, शाहीन ही जिम्मेदार है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे हमारे पड़ोसी मुल्कों में देखे, इंग्लैंड में देखे, ऑस्ट्रेलिया देखे, हर कोई यही कह रहा है, हर कोई यही कहता था। जो भी पाकिस्तान का क्रूशल मैच है, शाहीन के जो फर्स्ट स्पेल है, जो शाहीन का जो ओवर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की जीत या हार, और शाहीन ने ही पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। शाहीन की क्या परफॉर्मेंस रही है, किस परफॉर्मेंस में हम इसको T20 का कैप्टन बनाएं? PSL की परफॉर्मेंस पे, PSL और नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है। आप सोचो ना भाई, आप पाकिस्तान के मुफाद में सोचो। एक तो मुझे समझ नहीं आता है ये TV चैनल भी जर्नलिज्म का भी कोई तरीका होता है, जस्ट अपने ही मुफाद के लिए देखना है, पाकिस्तान का किसी को कुछ नहीं सोचना। आप टीवी चैनल भी किस किस को क्यों इन तरह इस सब लोगों को लेके बैठे जो बाबर आजम के खिलाफ है या जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिनको अपना कुछ पता नहीं होता, एक वक्त में क्या बोल रहे हैं दूसरे वक्त में क्या बोल रहे होते हैं, और अपनी इज्जत खुद ही गवा रहे होते हैं अपने हाथ से। क्यों इस तरह के लोगों को रखा हुआ है, क्यों इस तरह के लोगों को टीवी पे लेके बैठे हुए हैं? ये क्या टीवी चैनल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? पाकिस्तान के टूवर्स इनकी कोई नहीं है कि पाकिस्तान से अपनी लॉयल्टी कैसे निभानी है, कि पाकिस्तान से अपनी हुबुल वतनी का सबूत कैसे देना है? जो चीज़ पाकिस्तान के हक में बेहतर है वो हमें है कि टीवी पे टेलीकास्ट करनी चाहिए, और जो उसके हक में बेहतर नहीं है उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये कोई नहीं उनका, बस उन्हें बस बैठ के टीवी पे बकवासियात करनी है। ये हर किसी को, जब हर कोई अपना एक तरह से हक अदा करेगा ना, जर्नलिस्ट अपना हक अपना फ़र्ज अदा करेंगे, प्लेयर्स अपना फ़र्ज अदा करेंगे, सिस्टम अपना फ़र्ज अदा करेगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक बंदे पे ब्लेम करने की क्या, तो मुझे तो नहीं समझ आती। और जब आपको अगर हटाना ही है तो फिर आप ऐसे ही हटाओ ना, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया टूर में उसको बलि का बकरा बना रहे हो, मज़ीद उसको डिप्रेस करोगे? जब आपको हटाना ही है आप हटाओगे ही, पता है। और यही है कि फैसले भी देखें ना, फैसले भी कौन से लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी कुछ खबर नहीं है PCB का। कुछ एक्सटेंशन पे तो चल रहे हैं हमारे जक्का अशरफ साहब। एक तो यही बात है ना कि हमारे सिस्टम का ऐसा फेरियर, वी वांट प्रोफेशनलिज्म एट एवरी लेवल,
चाहे वो पीसीबी का में हो या कहीं पे, हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए। हमारे प्लेयर्स के हवाले से भी मैंने यही बात की थी कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये जो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेज दिए जाते हैं, मिकी ऑर्थर साहब भी क्यों इस तरह से लेम एक्सक्यूजेज देते हैं कि भाई दिल्ली पाकिस्तानी बजाओ, ये फलानी हुआ और आईपीएल की वजह से, वो फलानी की वजह से। भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग कर रहे हो, सॉरी डायरेक्टर हो आप, तो आप कुछ तो प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। एक तो इनको रख के भी जो गए थे पिछली मैनेजमेंट, वो हमारे सर पे एक वबाल रख के चले गए थे। मैथ्यू हेडन के साथ इतनी अच्छी टीम की बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी चल रही थी पूरी टीम, मैथ्यू हेडन को होना चाहिए था या और किसी कोई पाकिस्तानी। मैं तो खैर यही, मुझे तो यही से लगता है कि भाई कोई हमारा पाकिस्तानी कोच हो जो तरीके से डिलीवर कर सके, ये सब नहीं कर सकते। बाय द वे ये भी खबर है मॉर्ने मॉर्कल साहब ने रिज़ाइन कर दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। जिस तरह की आपने हरकतें हमारी बॉलिंग की हालत कर दी, खैर हमारे बॉलर्स भी उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आप भी बड़े ज़िम्मेदार हैं और ये जो आपको रखने वाले थे वो उससे सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। आपकी क्या परफॉर्मेंस है एशिया कप में, सॉरी एशियन कंडीशंस में? मॉर्ने मॉर्कल की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है एशियन कंडीशंस में, वो वहाँ सीना नेशंस में, सीना कंट्रीज़ में चलते हैं। तो हमें वही है ना कि भाई दिमाग किसी के पास नहीं, 70 साल बुढ़े जब चलाएंगे क्रिकेट बोर्ड तो दिमाग तो ज़ाहिर है फारिग ही होता है ना 70 साल के बुढ़ों में। हमें यंग ब्लड चाहिए, हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हमें इस तरह की हरकतें नहीं चाहिए। अभी नया कुछ सुन रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर कुछ तौसीफ़ अहमद है, कौन है, उनको रख दिया गया है। ये बंदा सबसे ज़्यादा मुखालिफ है बाबर और रिजवान का, सबसे बड़ा मुखालिफ है। तो अब फिर क्या हाल होगा बाबर को, अगर आप कैप्टनसी पे रखोगे भी ना तो भी उसकी ज़िंदगी अजीरा नहीं होने वाली है। पाकिस्तान के हक़ में बहुत बुरा है कि बाबर को कैप्टनसी से हटा दिया जाए, लेकिन बाबर के अपने हक़ में बहुत बेहतर होगा। लिख के ले लें ये बात, बाबर के अपने हक़ में बहुत बेहतर होगा। ये जिस तरह की मैनेजमेंट सब बन गई ना, उसके ऊपर और बर्डन होगा और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेज आपको समझ आ जानी चाहिए हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं होंगी। हमारी शानदार टीम है, ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल सही टीम है, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में किसी को भी नहीं जीतने देता एक्सेप्ट इंडिया, और इंडिया ने भी अभी कुछ गुजरे सालों में ही इंडिया को डिफीट दिया है ऑस्ट्रेलिया। बाकी और कोई बड़े बड़े तुलम खान गए ना जो एशियन जो गई है ना टीम्स, कुछ भी नहीं कर सकी। इंडिया ने भी अभी रिसेंट पास में ही कुछ किया है, वो भी है कि इंडिया की टीम तो ऑब्वियसली उनके तो सब कुछ ही है, वेल सेटल चल रहा है, वो तो बेस्ट टीम है, तो उसने दी ये डिफीट, बाकी हमने तो कभी नहीं दी, ना श्रीलंका की है ना और कोई, कभी नहीं दे सके। तो ये ऑस्ट्रेलिया टीवर भी आपका ऐसा ही होने वाला है, हजीमत से ही आप दो चार होने वाले हो, तो उसमें बाबर को बदले का बकरा बना दो, फिर उसके बाद उसको और क्रिटिसिज्म करो, फिर आप अपने दामाद जी को लेके आएंगे क्योंकि T20 में हम थोड़ा बेहतर खेलते हैं, और फिर उसके बाद है कि हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे। अब उसमें अगर हम जीत गए तो है कि भाई वो हो दामाद जी ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर ली, और अगर हार गए तो भी हम ले आएंगे भाई, बहुत से हम ले आएंगे। जिस तरह से हमने शुएब अख्तर को जवाब दे दिए थे ऑन एयर बैठ के, शुएब अख्तर ने बोला था कि मैं अगर मुझे लगता नहीं पे कुछ होता तो मैं इंजेक्शन लगाता, मैं गिरता, मैं खड़ा होता, तो शुएब ने अपनी बारे में बात की थी ना शुएब अख्तर ने, और शुएब अख्तर ऐसा बंदा है कि वो कर भी जाता, उसने किया हुआ भी और वो कर लेता। मैं इस बारे में एग्री नहीं करती, मैं भी एग्री नहीं करती कि भाई शाहीन का करियर इस तरह से हम दांव पे नहीं लगा सकते थे कि उसके घुटने को सुन करके हम उससे ओवर करवा लेते, मैं भी इसके हक में नहीं थी। बट आपको क्या पड़ी थी कि आप बैठ के नेशनल टेलीविजन में चेहरे बना बना के आप जाके देखें उनकी वो वीडियो, फिर बोलते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं था कि कैमरा ऑन था, और फिर मुझे मिज़बान ने बोला कि ये तूने बोला है, ये अब क्या हो जाएगा, इतने तो मोहतरम सीधे साधे शरीफ से हैं हमारे शाहिद खान आफरीदी साहब, सुनेंगे मेरे मुँह से ये कुछ हरकतें? हम इनको लेजेंड मानते हैं इनकी, लेकिन इनकी जो हरकतें होती हैं हम इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं ना ये पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है ना। दैट्स वाई मेरा बहुत ही खून खोल रहा है आज इन पर। अपने ज़ाती मुफाद के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल पसे पुछ डाल दोगे, बड़ा अल्लाह अल्लाह करते हो, लेकिन किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो ये नहीं मालूम है कि खुद ही उसमें जाके गिरते हैं। आपने भी अपने वक्त में यही हरकतें की हैं, क्या मिला आपको? कुछ मिला? शर्मनाक शिकस्त भाई, कितनी हमने कौन बाबर से पहले हम सारे वर्ल्ड कप जीतते आ रहे थे, सारे वर्ल्ड कप जीत गए थे ना, बाबर आजम ने आके तो हमें हरवा दिया सारे वर्ल्ड कप। इससे पहले तो शाहिद आफरीदी साहब थे, उन्होंने जीत लिए, इससे पहले तो मिसबाह उल हक साहब थे, उन्होंने जीत लिए, द ग्रेट वसीम अकरम साहब थे, द ग्रेट शुएब मलिक साहब थे, सब ने हमें वर्ल्ड कप जिता के दिए। भाई बाबर तो कुछ भी नहीं कर सका, हटा दो इसको, हटा दो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बट पता नहीं क्यों सही नहीं है, नहीं चल सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर में इसको रिटेन रखना चाहिए। वाह भाई वाह, आप समझते क्या है, आजकल की आवाम है ना बहुत समझदार है, सब समझती हैं। जो भी आप एजेंडा चला रहे हैं ना, इस एजेंडे में आपको अगर कामयाबी मिल भी गई ना तो आपको देर पर कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। दैट्स इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।